हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। दिस इज योर फूडी फ्रेंड अमिता और आज हम बनाने वाले हैं एक और बहुत ही पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड की रेसिपी, जो कि है वेज फ्रेंकी की रेसिपी। ये रेसिपी 3 स्टेप्स में हम बनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन पूरा वीडियो देखने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरीके की और भी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन होगा, यानी कि जो छोटा सा घंटी जैसा साइन होगा, उसको याद से प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोज अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। इसी के साथ क्यूमन करी को फेसबुक इंस्टा पेज पे भी फॉलो करना ना भूले, क्योंकि वहां पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे पिक्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे के रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज फ्रेंकी की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको फ्रेंकी के लिए पराठे की तैयारी करनी है, जिसके लिए मैंने 1 कप के जितना मैदा लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून के जितना आपको नमक ऐड करना है। नमक थोड़ा सा कम ही रखें, क्योंकि जो उसका अंदर का फिलिंग वाला पार्ट है उसमें भी नमक जाएगा। तो 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटा चम्मच के जितना मैंने नमक ऐड किया, और पानी की मदद से बिल्कुल जैसे रोटी वाला आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको इसका आटा लगा लेना है। आटा लगाने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट भी देंगे, फिर उसके बाद वापस से 1 से 2 मिनट के लिए गूंदने के बाद इसका पराठा बनाएंगे। लेकिन रेस्ट देने के पहले थोड़ा सा तेल अप्लाई करें आटे पे और इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में आपको 1 से 2 टेबलस्पून के जितना कुकिंग ऑयल लेना है, इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के जितना ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि 4 से 5 दाने काली मिर्च के हैं, जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, कूट लिया है। इसी के साथ 1 टेबलस्पून के जितना आपको घिसा हुआ अदरक ऐड करना है। 2 हरी मिर्ची को कूट के मैंने ऐड किया है, करीबन 1 टेबलस्पून के ही जितना था ये भी। 2 टेबलस्पून के जितना ये प्याज का पेस्ट है, आप प्याज को घिस के भी ऐड कर सकते हैं या फिर काफ़ी फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, एक मध्यम आकार की प्याज को। सारी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे करेंगे और साथ में इसमें अब ऐड होगा 1 टेबलस्पून के जितना बेसन। बेसन बाइंडिंग के लिए, क्योंकि हम वेज कबाब बना रहे हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उसमें आलू होती है, वेजिटेबल्स होती हैं, तो उसको बाइंड करने के लिए बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। 2 टेबलस्पून के जितना टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून के जितना कोई भी चिली सॉस, अगर आपके पास सेजवान सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, करीबन 1/4 कप के जितना, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो जले नहीं, बेसन की वजह से वो बहुत जल्दी थिक होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो मसाले में आपको हल्दी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून के जितना, उसी के साथ आपको इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड करना है 1/2 टीस्पून के जितना, ये कश्मीरी मिर्च है, तीखापन नहीं होता, जस्ट फॉर द कलर ऐड किया है मैंने। 1/4 टीस्पून के जितना भुना जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून के जितना ये धनिया पाउडर है, और 1/4 टीस्पून के ही जितना गरम मसाला ऐड करेंगे इस पर। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं। इस पॉइंट पे आपको, जब मसाले आप भून रहे हैं, आँच को धीमा ही रखना है, गैस की फ्लेम हमेशा धीमी होनी चाहिए जब भी मसाले भूने, ताकि वो जले नहीं और उनका जो कच्चापन है वो बहुत अच्छे से दूर हो जाए। मसाले भूनते भूनते जब तेल ऊपर आने लगे बिल्कुल इस तरीके से, तो आपको उस पॉइंट पे बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे ताकि मसाले एकदम अच्छे से पक जाए। बिल्कुल इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मैंने 2 गाजर को घिस के डाला है कद्दूकस करके, ये पत्ता गोभी है 1/2 कप के जितना, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गाजर और पत्ता गोभी यूज़ किया, आप इसमें हरी मटर को क्रश करके ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च फाइन चॉप करके ऐड कर सकते हैं, बट शिमला मिर्च का फ्लेवर एक्चुअली बाकी सारी सब्जियों पर थोड़ा सा ओवर पार करता है, तो इसलिए मैंने इस रेसिपी में ऐड नहीं किया, बाकी अगर आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाएंगे, सब्जियां तुरंत सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए बेसन ऐड किया गया है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद एक बाइंडिंग देता है आपके कबाब को, तो उसे बिल्कुल भी ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब 4 छोटे आलू को मैंने क्रश करके डाला, अगर मध्यम आकार के हैं तो आप 2 उबले आलू डालें इसमें हाथ से फोड़ के, चम्मच की मदद से आपको थोड़ा सा और उसको मैश करना है ताकि स्मूथ टेक्सचर आ जाए। थोड़ा सा और भूनेंगे, इसका पानी थोड़ा सा और सुखाएंगे, और इसमें हम फिर इसके बाद ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। नमक ऐड कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये जो मिक्सचर है सब्जियों का ये गाढ़ा होने लगा है आलू और बेसन की वजह से। आलू आप कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इस पॉइंट पे आपको गैस की फ्लेम कर देनी है बंद, और खूब ढेर सारे धनिया पत्ते ऐड करने हैं फ्रेश, और 1/2 लेमन जूस फ्रेशनेस के लिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके वेज कबाब का, तो इसे ज़रूर ऐड करें।
खटास के लिए आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नींबू का रस ऐड करना प्रेफर किया क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस आती है। और साथ ही में 1/4 टीस्पून के जितना चाट मसाला। ये हमारा कबाब का मिक्सचर रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए आपको छोड़ देना है। गरम पे अगर आप कबाब बनाओगे तो मे बी टूट जाए क्योंकि अभी काफ़ी सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद ही शेप दें। आटे को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। मैं वापस से 1 से 2 मिनट के लिए गूंदूंगी ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए। इसमें से 2 लोइयाँ कट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सिर्फ 2 पराठे बनेंगे, तो अगर आपको ज़्यादा फ्रैंकीज बनानी है तो आप उसी हिसाब से सारी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। सरफेस को अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि इसके पराठे चकले से ज़्यादा, मतलब चकले बेलन पे नहीं बन पाएंगे, थोड़ा सा बड़े साइज़ के बनते हैं। इस पर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और बिल्कुल आपको गोल पराठे बेल लेने हैं थोड़े से बड़े साइज़ के। और इसकी थिकनेस आपको कम ही रखनी, मतलब पतला ही रखना है इसको ताकि कच्चा ना रहे सेकते वक्त। आप जितना बड़ा पराठा बेलेंगे उसके अंदर फिलिंग उतनी ज़्यादा आएगी, तो आप थोड़ा सा बड़ा ही बेलने की कोशिश करें। ये मैंने बेल लिया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी का भी बेल लेना है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉनस्टिक तवा ही चाहिए, नॉर्मल तवे पे भी आप सेक सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालें, उसको ब्रश कर दें या फिर गीले टिश्यू पेपर से पोंछ दें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो हट जाए। फिर इस पराठे को डाल के फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा कच्चा ही सेकना है, तुरंत इधर उधर पलट के 30-30 सेकेंड्स के लिए सेकना है। पूरी अच्छे तरीके से पकाना नहीं है क्योंकि इसको दोबारा हम बटर डाल के सेकेंगे। तो एक बार सेक के रख लें और उसको ढक के रखें, जो आपने दूसरा सेक के निकाला है उसको ढक के रखें अगर आपको काफ़ी टाइम बाद बनाना है। जैसे मैं अभी तुरंत बना दूंगी तो मैंने उसको साइड में रखा है। इसी तरीके से आपको दूसरा भी सेक के निकाल लेना है। कम्प्लीटली कुक नहीं करना है, मैं वापस से बोलूँगी, नहीं तो आप जब दोबारा इसको पकाओगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़े से सॉफ्ट होने चाहिए फ्रैंकी के पराठे। इसको हाई फ्लेम पे ही सेकना है आपको दोनों साइड 30-30 सेकेंड्स के लिए। हमारे कबाब का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसको शेप देने के लिए हाथ में थोड़ा सा आपको तेल लगाना पड़ेगा जिससे कि ये हाथ पे चिपकेंगे नहीं। बस आपको हाथ पे इसको इस तरीके से रोल करते हुए सिलेंड्रिकल शेप देना है जिस भी साइज़ के आपको कबाब बनाने हैं। मैं थोड़े से लंबे रख रही हूँ। अगर आपको छोटे बनाने हैं तो आप 2 छोटे भी बना सकते हैं या फिर आप टिक्की का भी शेप दे सकते हैं क्योंकि टेस्ट तो सेम ही आना है। क्योंकि हम रोल बना रहे हैं तो इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल शेप दिया है, उसमें अच्छे से ये रोल हो जाता है। अगर आप उसको जस्ट रोटी की तरीके से फोल्ड कर रहे हो तो आप टिक्की भी बना सकते हैं इसकी। जितना मैंने मिक्सचर बनाया है दोस्तों, इसमें सिर्फ 3 कबाब बने हैं। तो हमारे 2 पराठे हैं और साथ में ये 3 कबाब का मिक्सचर है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, अगर आपको ज़्यादा बनाना है सारी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। वापस से थोड़ा सा तेल को ग्रीस करें तवे पे और कबाब कोशिश करें कि नॉनस्टिक तवे पे ही सेकें ताकि ये चिपके नहीं क्योंकि काफ़ी डेलिकेट है। थोड़ा सा तेल लगाने के बाद या बटर लगाने के बाद आप इसको हर तरफ पलट हुए सेकना है और थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से भी ब्रश करते रहें ताकि इवनली ये हर तरफ से पक जाए। इसको पलटते रहना है आपको हर 1 से 2 मिनट पे। आंच को आपको मीडियम रखनी है इस पॉइंट पे। अच्छे से ये सिक चुके हैं। अब उसी तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बटर को कभी भी अकेले नहीं डालते, बट तवे पे ऑलरेडी तेल है तो इस पॉइंट पे मैंने इसीलिए तेल नहीं डाला है क्योंकि थोड़ा तेल पहले से है। बटर डालेंगे और पराठे को सेक लेंगे दोनों साइड अच्छे से। आपको दोनों साइड बटर लगाना है। पराठा हमेशा तेज़ आँच पे सेकें, नहीं तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। अगर आपको सॉफ्ट पराठा बनाना है तो हमेशा फ्लेम को हाई ही रखना होता है, मीडियम हाई रखना होता है पराठे के लिए। बस पराठे को सेक के निकाल लेंगे। अब इसको बारी आती है अरेंज करने की, किस तरीके से अरेंज किया जाता है हमारा वेज फ्रैंकी का रोल। थोड़ा सा इसमें आप चिली सॉस डालें 1/2 टेबल स्पून के जितना, 1 टेबल स्पून के जितना आपको टोमेटो केचप डालना है। चम्मच या फिर ब्रश की मदद से आप इसको फैला लें। और इसी के साथ अगर आपके पास मेयोनीज है तो आप मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप चीज़ स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं चीज़ स्प्रेड और मेयोनीज दोनों का मिक्सचर है ये मैंने मिला के रखा था वो स्प्रेड कर दिया। थोड़ा सा ये मिक्स्ड हर्ब मैं डाल रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे ज़रूर डालें। और साथ में कटे हुए प्याज, आप प्याज के लच्छे भी ऐड कर सकते हैं बट मैंने थोड़ा सा फाइन चॉप किया है। एक कबाब को रखें, जैसे कि मैंने आज वेजिटेबल कबाब बनाया, आप सोया चंक से भी बना सकते हैं या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप नॉन वेज का भी बना सकते हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेज कबाब बनाए हैं। ऊपर से थोड़े से ये मैंने ऑलरेडी पत्ता गोभी को इस तरीके से कट करके रखा था वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा फ्रेंकी का मसाला डालें जिसमें रेड चिली पाउडर है, चाट मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, दोनों सारे ही हाफ हाफ टी स्पून के जितना है वो ऐड कर दें थोड़ा सा। और ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। यहाँ पे मैं अमूल का प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, देखने में तो अच्छा लगता है, साथ में खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है अगर आपको चीज़ पसंद है तो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ये वाला स्टेप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिली विनेगर। उसको बनाने का तरीका ये है, एक चौथाई कप में आप पानी लें, अगर आपके पास विनेगर नहीं है उसमें आप एक पूरा नींबू का रस निकालें, हाफ टी स्पून के जितना चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके ऐड कर दें। अदरवाइज़ अगर आपके पास विनेगर है विनेगर लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएं। एक चौथाई कप में आपको करीबन 1/8 कप के जितना वाइट विनेगर लेना है, हाफ टी स्पून के जितना चीनी, थोड़ा सा नमक और 2 से 3 हरी मिर्ची काट के तैयार कर दें, आपका वो चिली विनेगर रेडी हो जाएगा। उसको थोड़ा सा डालें, उससे काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस और एक टेंगीनेस आता है। बस इसको आपको रोल कर देना है बिल्कुल इस तरीके से और ये आपका वेज फ्रेंकी बिल्कुल रेडी है। बट अभी से हम बीच से भी कट करेंगे। मैं अंदर से आपको इसका टेक्सचर दिखा दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आज बहुत ही कम बेसिक वेजिटेबल यूज़ करके वेज फ्रेंकी बनाया है, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उसके साथ ये बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फिलिंग होते हैं, बहुत हैवी होते हैं खाने में, इसको खा के एक तरीके से पूरी तरीके से पेट भर जाता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, एज अ स्नैक भी बनाना चाहते हैं या फिर एज अ मील भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा सम्पूर्ण भी होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिलिशियस लग रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वेज फ्रेंकी की रेसिपी। अगर आप इसी तरीके की कोई और भी रेसिपी क्यूमिन करी से सीखना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं फ्यूचर में उन पे भी वीडियोस ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए क्यूमिन करी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको याद से प्रेस करिएगा। मैं मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप कुकिंग।